आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर कश्मीर घाटी से। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप का मामले में पूरे देश में गुस्सा देखा गया। सारा देश आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों की मानसिकता इस हद तक गिर चुकी है कि वो गंदी राजनीति पर उतर आए हैं, जिसके चलते आज आसिफा को इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा। राज्य सरकार को चाहिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आइए सुनते हैं पीडीपी के प्रवक्ता रफी अहमद मीर को। जो पीडीपी लीड कर रही है सरकार को, हमने इसको निहायत साफ सुथरे तरीके से कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश की। हुकूमत का ऑर्डर था, क्राइम ब्रांच ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और इसको सुपरविजन कोर्ट ने किया। हमें अपने कोर्ट्स पे और अपने क्राइम ब्रांच पे पूरा भरोसा रहा और ये उम्मीद रही कि केस ठीक तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन हर शहरी का ये हक बनता है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। इसके पीछे उनका क्या ख्याल है, क्या वजह है, हम उस बारे में तो कोई मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अभी कोर्ट जो हमारा है, रियासत का हाई कोर्ट, उसके सुपरविजन में कोर्ट के पास केस है। जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद पता चलेगा क्या वजूहत है। सर ये बताइए कि लाल सिंह, अगर लाल सिंह जी ये उस दिन कहते जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था तो उनके बाद में एक वजन था, अब एक पर्सनल वैनम है, क्योंकि महबूबा जी ने इस पे ठीक ठाक से एक्ट किया कि उन्होंने लगा कि रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट का काम रोकने में, कोर्ट का काम रोकने में, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन को रोकने में, और उस पर पीडीपी ने और हमारी सरबरा जो महबूबा जी ने एक सीरियस व्यू लिया और बीजेपी का भी उसमें एक बहुत ही अच्छा रद्द अमल रहा। उसके बाद वो क्या कहेंगे, उनका जाती व्यू है और बायसड व्यू है, मैं उसके साथ उसकी बिल्कुल मुखालफत करता हूँ। अभी क्या मतलब, अभी कल तक आपकी हुकूमत में एक मंत्री, अभी आग बगोला हो रहे हैं लाल सिंह, हर हमेशा बयान पे देते देते आ रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ जाते हैं अभी भी, तो किस नज़र से देखना चाहते हो इस बयान को? मैं समझता हूँ एक विम्सिकल माइंड है जिससे ऐसी बात निकल आई, जो काबीना में रहे हूँ, पार्लियामेंट के भी मेंबर रहे हैं, ऐसी नाशायस्ता बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारी रियासत है, आग में जल रही है, हालात ख़राब हैं, कोई गैर जिम्मेवाराना बात करने से और ख़राबियाँ हो सकती हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि महबूबा जम्मू कश्मीर की बका के लिए सरकार में और पार्टी भी हमने इसीलिए बनाई है। हमारा पूरा एतिकाद ये है कि जम्मू कश्मीर का एक मसला है, सियासी मसला, हम उसको एड्रेस करें। हम चाहते हैं पाकिस्तान करें, यहाँ के स्टेक होल्डर बातचीत करें। अगर किसी फर्द को या किसी साबिका मिनिस्टर को लगता है कि ये हुर्रियत का एजेंडा है, हम ये समझते हैं लोगों का एजेंडा है, बाकी आगे उनका अपनी मर्जी है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया सर। ये थी हदवारा से कबीर गिलानी की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।